तो चलिए आज के लेसन को देखते हैं, आज हमें क्या देखना है। तो गाइज आज हमें जानना हुमायूं के बारे में। हुमायूं का अगर टाइम पीरियड देखा जाए, रूलिंग टाइम पीरियड, तो 1530 से 40 तक पहला, फिर बीच में गैप, फिर 1555 से 56 तक। क्यों देखते हैं। हुमायूं का जो एक्चुअल नाम था वो है नसीरुद्दीन मोहम्मद, जिसका जन्म हुआ था काबुल में 1508 में। पिता बाबर, मां माहम बेगम, ये सब तो जानते ही होंगे। कहानी पूरा समझना। हुमायूं के चार, टोटल चार भाई थे हुमायूं। कौन कौन? तो हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल, ये चार भाई। चूंकि हुमायूं जो था ये बाबर का संतान, और बाबर चूंकि क्या थे तो तुर्कियों में नियम था पिता के मृत्यु के बाद उसका सारा संपत्ति उसके सभी बेटों में बराबर से बढ़ जाएगा। तो बाबर मरने के टाइम पीरियड में ही हुमायूं को बोल दिया था कि इस संपत्ति को, मेरे पूरे रियासत सियासत को अपने सभी भाइयों में ईमानदारी से बांटना। हुमायूं ईमानदार बेटा, बोला ठीक है। यहां पर बाबर का मृत्यु होता है, हुमायूं गद्दी में बैठता है, और गद्दी में बैठते ही बेचारे को पहले अपना साम्राज्य का विभाजन करना पड़ा, डिवीजन। इस डिवीजन की वजह से क्या हुआ, हुमायूं का जो एम्पायर था वो छोटा सा तो था ही, वो अब चार भाग में बट गया। पहला यहां पे कमजोर हो गया, क्योंकि केवल एरिया नहीं बटा, धन संपत्ति सेना सारा चीज बटा। दूसरा समस्या देखते हैं, राजपूत इस मुगलों को पसंद नहीं करते थे, बाबर के तो एंटी थे, तो इस तरह से हुमायूं के भी अब एंटी होंगे। यहां पर हमें याद होगा आप सबों की खानवा के युद्ध में राणा सांगा बाबर से हार चुका था, लेकिन बाकी जो राजपूत थे जैसे राणा सांगा के बेटे रतन सिंह, अब वो तो चुप नहीं बैठेंगे, वो तो बदला लेने चाहेंगे पिता का बदला, एक समस्या ही। तीसरा समस्या था अफगानों का। अफगान, आपको पता होगा कि सिकंदर लोदी का बेटा जो इब्राहिम लोदी था, इसको मारा गया इसके चाचा दौलत खान लोदी की वजह से, बाबर ने मारा। और नियम के अनुसार बाबर को दिल्ली जीतने के बाद दौलत खान को वापस करना था, लेकिन बाबर वहां पर रूल करने लगा। तो ये जो लोदीस थे ये थे अफगान, और ये अफगानी अब बाबर से पहले युद्ध लड़ना चाहे नहीं जीत पाए, तो अब हुमायूं का बारी था, अब हुमायूं को ये चीज झेलना था। और इन अफगानियों में एक व्यक्ति आया, कौन? शेर खां। वही शेर खां जो आगे जाकर शेरशाह सूरी कहलाएगा, जिसने हुमायूं को मात दिया। और चौथा समस्या था ट्रेजर। चूंकि संपत्ति का चार भाग में बंटवारा हो चुका था, तो ट्रेजर भी हो चुका था खाली, और इसकी वजह से हुमायूं क्या करे, तो उसे तो सबसे पहले अपना इस एम्प्टी ट्रेजर को फुलफिल करना था। तो हुमायूं क्या किया, सैन्य अभियान शुरू करता है, और पहला सैन्य अभियान वो करता है कालिंजर पर 1531 में, गद्दी में बैठने के जस्ट एक साल। कालिंजर के रूलर थे उस वक्त प्रताप रुद्र देव। तो प्रताप रुद्र देव का हुमायूं से युद्ध हुआ, इस युद्ध में हुमायूं तो जीत गया। जीतने के बाद ये आगे बढ़ना चाहा। उधर ही क्या होता है कि अफगान जो रूलर थे वो जौनपुर की तरफ बढ़ रहे थे। हुमायूं क्या किया, प्रताप रुद्र देव से पैसा उसे लूटा, लेके वापस भागा संधि करके, क्योंकि उसे दिल्ली बचाना था, क्योंकि जौनपुर को कब्जा करते हुए अफगानी दिल्ली पहुंचने वाले थे। दूसरा उसका युद्ध इन्वेजन, वो आप बोल सकते हो दोरा या दाहिरा का युद्ध 1532 में। इस युद्ध में एक तरफ महमूद लोदी था और एक तरफ हुमायूं, इसमें ये लोदी हार गया। वो चुनार का पहला घेरा, चुनार का घेरा
जो 1532 में शेर खां ने किया, शेर खां जो कि शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, शेर खां वर्सेस हुमायूं। इस युद्ध में शेर खां हार गया, तो हुमायूं को यहां पर शेर खां को मार देना था या जेल में डाल देना था, बजाय इसके हुमायूं इसके साथ एक ट्रीटी कर लेता है, समझौता कर लेता है, और समझौता से खुश होकर हुमायूं दिल्ली में दीन पनाह नाम से किला भी बनवाया। लेकिन ये शेर खां फिर से आएगा। अब देखो फोर्थ इसका जो रिवोल्ट होता है या समस्या होता है वो होता है बिहार में। बिहार में मुहम्मद जमान मिर्जा, मोहम्मद जमान मिर्जा जो था वो मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के साथ मिलके, सुल्तान मिर्जा के साथ मिल करके बिहार में विद्रोह कर दिया मुगलों के खिलाफ, लेकिन अल्टीमेटली हार जाता है। नेक्स्ट समस्या इसका हुआ बहादुर शाह से। बहादुर शाह के साथ समस्या क्या था, बहादुर शाह गुजरात के रूलर थे जिनका युद्ध होता है हुमायूं के साथ। ये युद्ध हुआ सारंगपुर में, यहां पर हुमायूं जीत जाता है, गुजरात को कैप्चर में कर लेता है और दिल्ली वापस आता है। लेकिन एक साल बाद फिर से बहादुर शाह हमला करता है, फिर से हुमायूं को हराता है, दिल्ली आता है। ये हुआ था 1535 से 36 तक चला। अब जब हुमायूं दिल्ली में बैठा हुआ है, चुनार के किले पर 1538 में वापस से शेर खां अटैक कर दिया। शेर खां अटैक किया, हुमायूं पहुंचा, शेर खां गायब हो गया। शेर खां का बेटा कौन, कुबत खां। ये कुबत खां क्या किया, बहुत लंबे समय तक हुमायूं को रोके रहा, क्योंकि शेर खां तब तक भागे चार बचा कर अपना व्यवस्था करे। इधर हुमायूं उसके कुबत खां को हराते हुए भागा शेर खां के पीछे, बंगाल पहुंचा। बंगाल पहुंचने के बाद, जिसे कि हम लोग जब बंगाल देखते हैं तो बंगाल में यहां पर हुमायूं के साथ शेर खां का युद्ध होता है। इस युद्ध में अल्टीमेटली हुमायूं ही जीतता है, और हुमायूं जीतने के बाद बंगाल में शांति व्यवस्था बनाता है और वापस वो दिल्ली चला जाता है। इधर शेर खां फिर से अपना ताकत बनाया और चौसा के किले पर 1539 ईस्वी में धावा बोल देता है। जब चौसा के किला पर ये धावा बोला तो वहां पर शेर खां जब धावा बोलता है तो वहां पर हुमायूं भी पहुंचा, एक तरफ शेर खां एक तरफ हुमायूं। इस युद्ध में इस बार हुमायूं हार जाता है और बुरे तरीके से हारता है, मतलब ऐसा हारता है कि वो जान बचा के भागने लगता है हुमायूं। ये चौसा बक्सर के पास है, बिहार के पास है, वहां पर लड़ते जब भागने लगा तो हुमायूं जान बचा करके भाग जब रहा तो कर्मसा नदी पर गिर गया, जहां पर एक मल्ला था, एक विस्ती था निजाम नाम से, वो हुमायूं को बचाता है। तो हुमायूं ने उसको खुश करने के लिए एक दिन का अलग बात है बादशाह बनाया, और वही निजाम चमड़े का सिक्का चलवाता है। इधर शेर खां जो कि बिहार वाला रीजन जीत चुका था, बंगाल को भी अपने अंडर कर लिया था, कन्नौज को भी जीत चुका था, शेर खां खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। अब इसे दिल्ली से कोई लेना देना नहीं, हुमायूं से बर्दाश्त नहीं हुआ, हुमायूं निकल गया शेर खां पर अटैक करने, और कन्नौज में 1540 में फिर से दोनों आमने सामने होते हैं, एक तरफ हुमायूं दूसरी तरफ शेर खां। इसमें फिर से हुमायूं हारता और बुरे तरीके से हारता, और ये एक निर्णायक घटना था, क्योंकि इस युद्ध के बाद हुमायूं को तो भागना पड़ा भारत छोड़ करके, और दिल्ली की गद्दी पर शेर खां बैठ गया। हुमायूं को यही बोला कि भाई तुम्हें मैं छोड़ दूंगा जिंदा, लेकिन शर्त है, और शर्त यही कि जब तक मैं जीवित हूं तुम भारत नहीं आओगे, तुम्हें भारत छोड़ के जाना होगा, अन्यथा तुम्हें मैं मार दूंगा, यही बोल करके उसे जिंदा छोड़ दिया हुमायूं। हुमायूं भी सोचा जान बची तो लाखों बाय चला जाता है, लेकिन शेर खां के मृत्यु के बाद हुमायूं दोबारा आएगा, और जब दोबारा आता है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले ये जानो कि जो हुमायूं यहां पर हारा है, बर्बाद हुआ, उसके पीछे का बेसिक कारण क्या है। तो पहला कारण है डिवीजन यानी बंटवारा।
संपत्ति कम हो गया, आपस में ही चारों भाई लड़ने लगे सिविल वॉर। दूसरा, जब शेर खां इंक्रीज कर रहा था, अपना पावर बढ़ा रहा था, तो उसमें हुमायूं ध्यान नहीं दिया। तीसरा समस्या, हुमायूं भी बड़ा शौकीनबाज था, युद्ध लड़ने के बाद आगे की रणनीति तैयार करने की बजाय ऐशमौज में बर्बाद हो जाता था। और इतिहासकार बोलते हैं कहीं ना कहीं हुमायूं एक दुर्बल व्यक्ति था, कोई खास तेज व्यक्ति था नहीं। तो अब देखो, जब हुमायूं को भारत छोड़ के जाना पड़ा तो उस वक्त आगरा से लेके दिल्ली तक में किसका अधिकार? शेर खां का अधिकार। इधर हुमायूं ये क्या किया अपने निष्कासित जीवन के टाइम पीरियड में ही, वो मीर अली अकबर की बेटी, क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लेता है, यानी निकाह कर लेता है। कुछ समय बाद पहुंच जाता है ये कहां, अमरकोट। अमरकोट, अमरकोट में राणा वीरसाल का रूल चल रहा था, तो राणा वीरसाल के महल में ये शर्म में रहा, रिफ्यूजी बनकर रहता है। वहीं पर अब हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का एक संतान उत्पन्न होता है, यानी बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा गया अकबर, इस बच्चे के नाना मीर अली अकबर के नाम पर। अब हुमायूं ताक में था कि कैसे वो भारत आए। हुमायूं क्या किया, थोड़ा सा राणा वीरसाल के हेल्प से हेल्प लेकर के काबुल को जीत लेता है, यानी जहां से बाबर शुरू किया था वहीं पर पहुंच गया, काबुल को जीत लेता है। काबुल में पैसा सेना इकट्ठा किया, काबुल कांधार जीता, आगे बढ़ा। तभी क्या होता है, शेरशाह सूरी का मृत्यु हो जाता है और उसके उत्तराधिकारी इस्लाम शाह का भी मृत्यु हो चुका था। इस चीज का फायदा उठाते हुए हुमायूं 1555 ईस्वी में अटैक कर देता है दिल्ली पर। तो यहां पर एक तरफ हुमायूं, दूसरी तरफ हैबत खां जो कि शेरशाह सूरी के मृत्यु के बाद उसका अफगान सरदार था। दोनों के बीच में युद्ध होता है, इसमें हुमायूं जीत जाता है और जीतने के बाद लुधियाना के पास, सतलज नदी है उसी किनारे लुधियाना, वहां पर मच्छीवाड़ा नाम से एक जगह है, मच्छीवाड़ा को जीत करके पंजाब अपने अंडर कर लेता है। फिर सरहिंद का युद्ध लड़ता है, एक तरफ बैरम खां मुगलों की तरफ से बैरम खां और एक तरफ अफगानों की तरफ से सिकंदर शाह सूर SSS। इस युद्ध में फिर से मुगल जीत जाते हैं और दिल्ली इनके अधीन आ जाता है। इस तरीके से वापस से हुमायूं 1555 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और जस्ट एक साल बाद फिर 1556 में उसका मृत्यु हो जाता है, 26 जनवरी 1556। कैसे, दीन पन्ना नाम से जो लाइब्रेरी बनवाया था उसे गिरने की वजह से। इसी से इतिहासकार बोलते हैं हुमायूं लुढ़क लुढ़क के शासन किया और लुढ़क लुढ़क के निकल भी गया। अल्टीमेटली हुमायूं के मृत्यु के बाद भारत में पहली बार ये हो रहा था कि ईरानी परंपरा के अनुसार एक व्यक्ति थे मिर्जा गयास बेग। ये मिर्जा गयास बेग जो थे 1564 ईस्वी में इनके लिए एक मकबरा बनाते हैं और ये बनवाया गया था हमीदा बानो बेगम की वजह के तरफ से, वही बनवाई थी मिर्जा गयास बेग, इसके आर्किटेक्ट इंजीनियर से समझ लो। और ये पूरा से व्हाइट मार्बल से बना हुआ भारत का पहला गुंबद वाला मकबरा था, जो कि दिल्ली में गुंबद वाला मकबरा, इस तरीके से गुंबद वाला मकबरा। दूसरा देखते हैं, हुमायूं नामा नाम से किताब जो कि गुलबदन बानो बेगम ने लिखा, ये बायोग्राफी है हुमायूं का, हुमायूं नामा। दूसरा, हुमायूं जो था वो इंसान एक कामिल का उपाधि धारण करता था, इंसान ए कामिल, जादू टोना पे बड़ा यकीन था हुमायूं, इसलिए सातों दिन सात रंग के कपड़े पहनता था। दूसरा, हुमायूं कह सकते हैं कि ना दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में पहली बार कोई गोल्ड कॉइन चलाया तो वो हुमायूं ही था। हुमायूं शौकीनबाज भी बड़ा था, तो इसके दरबार में दो पेंटर थे, एक मीर सैयद अली और दूसरे थे ध्वजा अब्दुल,
एक मिनट, अब्दुल ससमत मत, ये दो चित्रकार इसके दरबार में रहा। ये था टोटल बाबू हुमायूं के बारे में। नेक्स्ट जो अपना क्लास होगा उसमें हम लोग हुमायूं के आगे की कहानी जानेंगे, हम लोग अकबर को जानेंगे, अकबर, उसके बाद अकबर के आगे देखेंगे जहांगीर देखेंगे, शाहजहां देखेंगे, औरंगजेब देखेंगे, इस तरीके से इंटायर इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे। तो आज के लिए